हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किसी भी थ्री डिजिट नंबर के मल्टीप्लिकेशन वैदिक मैथ की सहायता से बहुत ही आसानी से कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। इसमें कुछ स्टेप है, इसमें हमें ये फाइव स्टेप जो होते हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे कि पहला क्या है। हमें ये एल मतलब लास्ट से हमें मल्टीप्लाई करनी है। ये एरो दिखा रहा है कि पहले हमें इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी लास्ट से टू डिजिट की। थर्ड पॉइंट दिखा रहा है कि फर्स्ट ये इसकी, फिर इसकी और मिडिल वाली की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फोर्थ माने फर्स्ट से दिखा रहा है, यानी फर्स्ट जो है हमारे 10th और 100th की पोजीशन में उसकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और फिफ्थ में हमें क्या करनी पड़ेगी, जो फर्स्ट में है यानी 100th की पोजीशन में उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, लीनियर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमें लास्ट से जो है हमें लीनियर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 5 2 10 की 0 कैरी में गया 1। फिर हमें सेकंड स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो हमने क्या करा है, लास्ट से क्रॉस करनी है, तो यानी इसकी से लास्ट से, ठीक है। तो यानी 6 2 12 5 5 25, तो हम उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 38 लिखेंगे इधर पे, 3 हमारा क्या गया कैरी में। फिर हमें क्या करना है, मिडिल में जो है इसकी इससे करनी है, ठीक, 4 की 2 से, 5 की 4 से और 6 की 5 से ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, यानी 4 2 8 4 5 20 और 6 5 30। ओके, इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो गया, 8 और 3 11 कैरी में गया 1 6, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, 6 हमारा गया है कैरी में। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, फर्स्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गया, ये हमारा 6 कैरी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 4 5 20 और 6 4 20 24, और कैरी था हमारा 6, तो इसको ऐड कर लेंगे 3, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 10 की 0 कैरी में गया 1 5, 50 0 यहाँ लिखेंगे, 5 हमारा कैरी है। लास्ट क्या है, लास्ट स्टेप में क्या है, लीनियरली फर्स्ट वाले का क्या करना है, लीनियर मल्टीप्लाई, यानी क्या हो गया 4 4 16, तो इसको जब हमने ऐड किया क्या हमारा आ गया 21, तो इसका आंसर क्या हो गया 210180। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आई तो उसे एक लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।